अगर आप लोग ड्रीम इलेवन के यूजर हो तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ड्रीम इलेवन से पैसे निकाल पाओगे, ड्रीम इलेवन का विड्रॉल प्रोसेस क्या है, क्या करना होता है हम लोगों को, और यहाँ पे एक जो नया यूज़र आप लोग हो वो कैसे यहाँ पे अपना ड्रीम इलेवन से पैसे निकाल पाओगे। तो सब कुछ जानने के लिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए और फिर आप लोग ईजिली इसका लाभ उठा पाओ और यहाँ से जो भी पैसे हैं उसको विड्रॉल कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस और करते हैं यहाँ पे जो जो यहाँ पे आपको प्रोसेस करना होता है बार बार से बताते हैं और आप लोग इसे देखते जाइए। सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करोगे तो जो भी आपके विनिंग होंगे आपको यहाँ पे शो करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई टू विड्रॉल का, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बताया जाएगा गेट वेरीफाइड विड्रॉल विनिंग्स टू योर बैंक अकाउंट इंस्टेंटली। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा और आपके जो पैसे हैं वो आप लोग इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में भेज पाओगे यहाँ पे से आप लोग वेरीफाई करके। जो चीज़ यहाँ पे आपको दिक्कत आए आप यहाँ पे नीड हेल्प चैट विथ अस पे क्लिक करके पूछ भी सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे टोटल प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जब भी यहाँ पे अपना ड्रीम इलेवन का अकाउंट बनाते हो तो मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल से वेरीफाइड करते हो और तभी जाके आपका यहाँ पे अकाउंट बनता है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया जैसा कि मेरा शो कर रहा है, उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करोगे आप लोग तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा, अदरवाइज़ आप लोग फेसबुक से और गूगल से भी यहाँ पे अपना वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल डालोगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, एक ओटीपी आएगा जहाँ से आप लोग इजीली यहाँ पे इसे वेरीफाइड कर पाओगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा पैन कार्ड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। इसके लिए इसका ज़रूरत पड़ता है आपको पैन कार्ड का, जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको इसे वेरीफाई हो जाएगा, आपको इसका फ़ोटो डाल देना है, पैन नंबर डाल देना है, जो ईमेल एड्रेस आप लोग वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट अपना जो है बैंक अकाउंट का जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पे आपके पूरे डिटेल अकाउंट नंबर आपका नाम उसके बाद पूरा एड्रेस वड्रेस जो भी रहता है फर्स्ट पेज का फोटो आपको खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर क्विक विड्रॉल्स टू योर बैंक अकाउंट, क्विक विड्रॉल्स के लिए आपको बैंक अकाउंट वेरीफाइड करना है। जैसे कि आप जानते हो बिना बैंक अकाउंट वेरीफाइड किए यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग ईमेल एड्रेस वेरीफाई करो, पैन कार्ड जैसा मैंने बताया वैसा आपको करना होगा, फिर बैंक अकाउंट वेरीफाइड करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल या फिर विड्रॉल का ऑप्शन आ जाता है। जब यहाँ पे आप लोग अपना पैसा जो है विड्रॉल करने के लिए जाओगे तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद आप इसे इजीली विड्रॉल कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और आप लोग अभी के टाइम में इसे ईजिली कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर आपके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।